हाय गाइस, वेलकम टू द कोर्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं YouTube कार्ड्स के बारे में। यस, YouTube कार्ड्स क्या होता है? YouTube कार्ड्स को मैं ज्यादा क्लियरली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाता हूँ। वीडियो के एडिट में जाकर जिस जगह पे हमने टैग्स लगाए थे उसी जगह पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद देखिए ऐड कार्ड आ रहा है। ऐड कार्ड आ रहा है, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि कार्ड होता क्या है। तो मैं एक वीडियो खोलता हूँ यहाँ पे, उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कार्ड क्या होता है। तो यहाँ पे सर्च में जाऊँगा मैं और वीडियो लिखता हूँ। वीडियो लिख दी मैंने अनबॉक्सिंग वीवो V9। यस, अब कोई भी वीडियो चला लेता हूँ मैं। और ये देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं ऊपर आई लगा बना हुआ है, आई बटन, इसी को बोलते हैं कार्ड्स। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और वीडियोस शो होती हैं, राइट? तो यही हमें बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। ऐड कार्ड्स मतलब कि वहाँ के लिए हम वीडियोस ऐड करेंगे। अब तो यहाँ पे नीचे आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है ऐसे एक बार अपनी वीडियो की ड्यूरेशन कुछ, तो वहाँ पे एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने वीडियो कोई डाल दी। आप अपने कोई URL है अगर किसी और वीडियो का तो वो भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं यही डाल रहा हूँ। आप इसमें टोटल 5 कार्ड डाल सकते हैं एक वीडियो में। किसी के चैनल का भी डाल सकते हैं नाम, अपने चैनल का नाम भी डाल सकते हैं। तो जैसे चैनल में अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं एक चैनल कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं मयंक नाम टाइप कर दिया, यहाँ पे प्लीज़ विजिट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे और चैनल लिख दिया, सेव कर दिया। तो ये देखिए एरर आ गया मयंक, क्योंकि मयंक नाम से कोई चैनल नहीं था। मैं यहाँ पे लिख दिया टेक्निकल गुरुजी और सेव कर दिया। तो यस, ये सेव हो गया। और आप देख सकते हैं अब कि हमारी वीडियो में 2 ड्यूरेशन है। तो इन ड्यूरेशन का क्या रोल है? ऑल चेंजेस सेव दिखा रहे ऊपर, तो वो भी आपको बताता हूँ ड्यूरेशन का क्या रोल है। मैं वीडियो प्ले करूँगा स्टार्टिंग से, तो जब ये वीडियो इस ड्यूरेशन के पास पहुँचेगी, ऊपर आई बटन तो आ ही रहा है। तो ये देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम क्यों हमने सेलेक्ट किया से। जैसे ही इस टाइम के पास पहुँचेगी वीडियो, तो देखिए ऊपर अपने आप से एक वो आ गया, प्लेट सी आ गई ऊपर, शो कर रहा है कि यहाँ पे वीडियो का आपको उनको दिखा रहा है व्यूवर्स को कि ऐसी वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो व्यूअर देखता है तो उस पर क्लिक कर देता है, आई बटन नहीं देख पाता कभी कभी। देखिए यहाँ पे आर चैनल आ रहा है जहाँ पे मैंने चैनल डाला था, ये देखिए चैनल आ रहा है अगर आई बटन पर क्लिक किया मैंने, और ऊपर वो वीडियो आ रही है। इसी तरीके से आप 5 कार्ड डाल सकते हैं एक वीडियो के अंदर, बड़ा ही आसान है। कार्ड्स भी आपके व्यूज लाने में ही हेल्प करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब कार्ड्स क्या होता है। यस, यूट्यूब कार्ड भी इनडायरेक्टली आपकी व्यूज लाने में ही मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर पूरा टॉपिक लिखा आ जाएगा, अगर आपके व्यूवर को उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी होगी तो उस पर क्लिक जरूर करेगा। जब टॉपिक लिखाएगा तो वहां पर वो देखेगा कि वीडियोस अवेलेबल है, तो आपके इस तरीके से दूसरी वीडियोस पर भी व्यूज आने में हेल्प करेंगे।